Sound. जैसे कहा विद्यालय प्रारंभ किया था, धीरे धीरे बढ़ते 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 इतना काम प्रारंभ हो गया 1977 में विद्या भारती बनी। और फिर पूरे देश भर में एक शिक्षा का ढांचा कैसे होना चाहिए वो हमने सबके सामने रखा। हम विचार करते हैं कि बालक का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। ये यूट्यूब चैनल प्रारंभ किया है, हमारी जो वेबसाइट है सर्वहितकारी.org, उसको भी हम देख करके समझ सकते हैं कि हम करना क्या चाहते हैं। एक हमारा लक्ष्य है जिसको लिखा होता है, यहाँ भी कहीं लगा होगा हमारा लक्ष्य, कि इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली का विकास करना जिसके माध्यम से जो बालक है वो हिंदुत्वनिष्ठ बने, वो देशभक्त बने, और इसके साथ साथ वो जो हमारे वनवासी क्षेत्रों में जो रहने वाले लोग हैं, झुग्गी झोंपड़ियों के अंदर जो रहने वाले हैं, उनके प्रति भी उसके मन के अंदर संवेदना बने। जो हमारा YouTube चैनल है हम सब्सक्राइब करें, और हर सप्ताह जो न्यूज हमारी उसमें आती है उसको देख करके हम ये समझ सकते हैं कि विद्या भारती का लक्ष्य क्या है, वो करना क्या चाहती है। हम केवल एक छोटे से विद्यालय के अंदर रहने वाले नहीं हैं, हमारे जो बालक है हम जो है एक बहुत बड़ी संस्था के साथ जुड़ गए हैं जो इस समाज के अंदर एक परिवर्तन लाने का काम कर रही है शिक्षा के क्षेत्र में। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय दिया और यहाँ पे पधारे, और मैं आशा करती हूँ कि वो हमारे साथ जुड़े रहेंगे हमारी संस्था के साथ, और हमारे इस जो प्रचार प्रसार का जो कार्य है उसमें बढ़ चढ़ कर योगदान देंगे। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और हमारे प्रबंध समिति के सदस्य जो हमारे साथ बिना किसी स्वार्थ के हमारे साथ जो दिन रात जुड़े रहते हैं और कार्य कर रहे हैं हमारी संस्था को आगे ले जाने के लिए, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और इस जो हमारी एक फेसबुक पे जो हमारी विद्या भारती की जो साइट है उसका एक सबसे अच्छा पहलू जो मुझे सबसे अच्छा लगता है वो मैं सुखदेव भैया को बताना चाहती हूँ। हर दिन पावन जो है वो सबसे अच्छा है, तो उससे हमें बड़ी जानकारी मिलती है, वो मैं जरूर लाइक करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आज के बाद आप सभी भी लाइक करेंगे हमारे पेज को, और जितने ज्यादा लाइक्स मिलेंगे उसके नाम हमारे आ जाते हैं, और मैं डेली देखूंगी चेक करूंगी कि आप हमारे साथ कितना जुड़े हो, ठीक है। और मैं आए हुए पेरेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और आशा करती हूँ कि वो हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे और हमारे प्रचार प्रसार के कार्य को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।